हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एसएससी की एमटीएस जो मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज आ गई हैं और इसको कौन भर सकता है। जो भी व्यक्ति 10वीं पास कर चुका है वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकता है। तो क्या सब्जेक्ट है, क्या कितनी वैकेंसीज है, क्या एग्ज़ाम सेंटर रहेगा और क्या फीस है, क्या सिलेबस है, सब इसमें वीडियो में बात करने वाला हूँ। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ज़रूर हमसे शेयर करें इस नंबर पर 8962429653 पर। तो इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, साथ ही साथ कोई भी अपडेट आएगा तो वो भी आपको इसके तहत सूचित कर दिया जाएगा। तो ज़रूर आप हमसे शेयर करें कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करें। तो चलिए बात करते हैं मल्टी टास्किंग जो नॉन टेक्निकल स्टाफ की एग्ज़ामिनेशन है तो ये आ गई है। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब जो फॉर्म है भराने स्टार्ट हो गए हैं 22 अप्रैल से और ये 29 मई तक भराएंगे। आपकी जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 31 मई 2019 है और आप ऑफलाइन चैनल भी भर रहे हैं तो इसके लिए भी जो लास्ट डेट है 31 मई है। आपकी है ना, ये जो एग्ज़ाम है दो फेज़ में होगी, टायर 1 टायर 2। जो टायर देखिए ये क्या है, टायर 1 है तो इसकी एग्ज़ाम कब होगी, इसकी एग्ज़ाम होगी अगस्त से सेप्टेम्बर में। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है टायर 1। और उसके बाद जो सेकेंड एग्ज़ाम होगी वो होगी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और वो है 17 नवंबर 2019 को। तो दो फेज़ में आपकी एग्ज़ाम होगी टायर 1 टायर 2। टायर 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, सेकेंड डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट खुद लिख रही है कि वुमन कैंडिडेट आर इनकरेज्ड टू अप्लाई, मतलब उनको भी सरकार ये चाहती है कि आप भी फॉर्म भरें ताकि जेंडर बैलेंस बना रहे। उसके बाद बात करते हैं कि भैया पे स्केल क्या रहेगा एमटीएस का। तो पे स्केल है 5200 से 20200, ग्रेड पे 1800, तो काफ़ी अच्छी ये आपके लिए सैलरी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं कितनी वैकेंसीज आएगी, तो वैकेंसीज अभी नहीं बताई है पर अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 7000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आएंगी, ठीक है। 7000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, अभी पब्लिश नहीं करी वैकेंसी। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या रहेगा आपके लिए, देखिए एज लिमिट, तो देखिए 18 से 25 वाले भर सकते हैं। आपका जन्म कब किसके बीच में हुआ है, 2/8/1994 से 1/8/2001 के बीच में, अगर आपका इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ रिलैक्सेशन भी मिला FTSC वालों को, 5 साल का रिलैक्सेशन है एज लिमिट में, तो वहीं OBC को 3 वर्षों का रिलैक्सेशन है। PWD एक्स सर्विसमैन और सबका फिर अलग अलग यहाँ पर इसके अंदर नोटिफिकेशन में सबको छूट दी गई है। उसके बाद बात करते हैं आगे आपसे कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, तो चलिए बात करते हैं पूरा पूरा। देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन, मतलब जो भी व्यक्ति 10वीं पास है वो इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। और 7000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, मान के चलिए आप 7 से 10 हज़ार के बीच में वैकेंसी आएगी। फॉर्म भी बहुत ही ज़्यादा इसका सस्ता है, कोई ज़्यादा आपको इसके चार्ज नहीं देना है, केवल और केवल 100 रुपये। तो देखिए आप इस मौके को मत जाने दीजिए। उसके बाद अगर 10वीं लेवल का ये है तो ये बहुत ही मतलब सरल एग्ज़ाम भी उतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है और टाइम भी है आपके पास। देखिए अगस्त में एग्ज़ाम है आपकी तो आपके पास टाइम है, अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम है। उसके बाद अगर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर में, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ एग्ज़ाम सेंटर की मध्य प्रदेश रीजन की बात करें, इसमें छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड है। तो देखिए कौन कौन से सेंटर है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भिलाई ही नगर है, बिलासपुर है, रायपुर है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर भी है, जबलपुर है, सागर है, सतना है, उज्जैन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जितने भी रीजन है सबके यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में सेंटर्स दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भैया कैंडिडेट मेक यू ऑप्शन फॉर 3 सेंटर इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद द सेम रीजन, मतलब आपको भैया जब एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल करेंगे तो 3 सेंटर के नाम प्रायोरिटी पे आप डाल देना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो पेपर 1 होगा और पेपर 2। तो जो पहला पेपर होगा वो क्या होगा, देखिए जो आपका पेपर 1 है वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। यहाँ ये कैसी एग्ज़ाम होगी, पेपर 1 की ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगी। फिर पेपर 2 कैसा होगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर दूसरी बात है जो अभी डेट दी जा रही है टेंटेटिव डेट है। अब पेपर 1 कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, कब होगा, ये अगस्त से सितंबर में होगा, ठीक है, 2/8/2019 से 6/9
2019 के बीच में आपकी एग्ज़ाम होगी। 100 आपका देखो 90 मिनट आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। सब्जेक्ट आपका रहेगा जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। इस तरह आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, 25 नंबर के होंगे हर पेपर और आपका 25 मार्क्स होगा और 25 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा। पेपर वन जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही उसमें आएगा ये, और जो इंग्लिश है वो केवल इंग्लिश में आएगा। उसके बाद क्या माइनस मार्किंग है, तो है भैया 0.25 की माइनस मार्किंग है। उसके बाद क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद एक आंसर की भी दी जाएगी और वो कमीशन की साइट पर मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पेपर वन में भी, अब यहाँ पर भी क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि आपने देखा है कि PEB जो होता है हमारे वहाँ, ठीक है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, वो क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन करता है। तो यहाँ SSC में भी अब नॉर्मलाइजेशन आ गया है और ये जो उनने जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया था 7 फरवरी 2019 को, उसके अनुसार यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद जो फाइनल मेरिट होगी उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगा, ठीक है। और जो आपकी मेरिट बनेगी पेपर वन से बनेगी, पेपर टू से नहीं बनेगी। पेपर टू कैसा पेपर है, केवल ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। जो मतलब आपकी मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी, वो आपकी बनेगी केवल और केवल जो पेपर वन है पेपर फर्स्ट से। पेपर सेकंड क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पर आपको ऐसे और लेटर लिखना रहेंगे, इंग्लिश में लिख सकते हैं या आप कोई सी भी जो संविधान के शेड्यूल में 22 भाषाएं दी गई है, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेज है उसको आप दे सकते हैं। 50 मार्क्स का होगा और आपको 30 मिनट मिलेंगे, 30 मिनट में आपको ऐसे और लेटर लिखना रहेंगे, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। पेपर टू क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, यहाँ पर आपको ऐसे और लेटर लिखना पड़ेगा, चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या आप कोई सी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो उनसे आप चाहें, जो संविधान के शेड्यूल 8 में जो दी गई है उसमें से। पेपर टू कैसा पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। पर मान लीजिए अगर 2 कैंडिडेट हैं और उनका जो पेपर वन था वहां पर अगर मार्क्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल मार्क्स होते हैं, सेम मार्क्स होते हैं, तो फिर जो पेपर सेकंड के मार्क्स है वो भी कंसीडर किए जाएंगे। यदि तो पेपर सेकंड कैसा पेपर है, क्वालिफाइंग है। उसके बाद सिलेबस की बात करें पेपर वन के अंदर, तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, यहाँ पर आपको विल बी नॉन वर्बल कंसीडरिंग द फंक्शन ऑफ अटेस्ट टू द पोस्ट, क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश का लेवल कैसा होगा, सिंपल होगा, देट एन एवरेज मेट्रिकुलेट विल बी इन पोजिशन टू आंसर कम्फर्टेबली। और देखिए जो जनरल अवेयरनेस है उसका भी जो लेवल होगा कैसा होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, सिंपल पेपर होगा। इंग्लिश के अंदर बात करें तो बेसिक इंग्लिश होगी, वॉक्यूबलरी होगी, ग्रामर होगी, सिनोनिम, सेंटोनिम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो करेक्ट यूजेस, राइटिंग एबिलिटी, इन सब का आपका इंग्लिश में टेस्ट होगा। वहीं अगर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल जो होता है उसके भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आपका देखिए द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन। ये तो यहाँ पर आपको ये टाइप के है, सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज है, नंबर सीरीज है, ये सभी आपको फिगर क्लासिफिकेशन है, ये सभी आपको टॉपिक इसके अंदर रहेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए नंबर सिस्टम आ जाएगा, कंपटीशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, रेशो है, रेशो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, परसेंटेज है, यूजेज ऑफ टेबल एंड ग्राफ है, टाइम डिफरेंट रेशो टाइम, मेन्यूरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सभी आपके टॉपिक इसमें रहेंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो ये देखिए इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी कुछ होंगे जो कि बहुत ही जो आपके आसपास का वातावरण उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ करंट इवेंट है, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, इसका भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद साथ ही साथ क्या होगा आपसे कि जो भी इंडिया है या जो नेबरिंग कंट्री है, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सेंस और जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इससे क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। और जो कि कैसे होंगे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जो आशा की जाती है उस तरह के क्वेश्चन इसमें होंगे। और जो पेपर का लेवल कैसा रहेगा, बिल्कुल सिंपल से मॉडरेट की तरफ रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं है और टाइम भी है आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें पेपर सेकेंड कैसा पेपर है, आपको मैंने बता दिया कि आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं,
और पेपर सेकंड क्या होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और आपको वहाँ पर लिखना रहेगा। और उसके बाद अगर आपसे बात की जाए तो आप कोई सी भी जो 22 भाषा है उसमें से कोई सी भी भाषा चुन सकते हैं। पेपर वन जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे तो उनको फिर एडमिशन सर्टिफिकेट इशू होगा। एक सेकेंड जो सेकेंड पेपर है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम उसके लिए। तो ये आपके लिए 10वीं पास की भर्ती है और लगभग 7,000 से 10,000 के बीच के आने की है कि भैया पोस्ट आ जाएंगे। उसके बाद फीस भी केवल 100 रुपये है, सिलेबस भी सिंपल है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। और अभी फॉर्म भरा रहे तो आप भर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आपका ये नंबर है, नंबर जरूर नोट कर लीजिए 8962429653। इस पर जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए और डिस्क्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही था।